Hey guys, I'm your friend, your teacher Nisha Sharma. I wish आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर में ही बैठ के मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे. So guys, stay safe, stay at your home, don't go outside and please take care yourself. So guys, you know COVID-19 का संक्रमण हर जगह बहुत ज़्यादा है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं. I think you all are aware, but बस अपना ध्यान रखें, गलियों में ना फिरें और कम से कम अपने घर, अपने परिवार सबका ख्याल रखें. सो गाइज, आज की जो वीडियो है वो रिलेटेड है अपनी जीके सीरीज से. मैं जीके की सीरीज़ करवा रही थी जो DSSSB हरियाणा, HSSC और K.V.S सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. तो उसी सीरीज़ में आई थिंक हम 7-8 के आसपास पार्ट कर चुके हैं, 6 के आसपास. तो आज उन्हीं पार्ट्स को हम आगे डिस्कस करते हैं. आई डोंट रिमेंबर 5 या 6 पार्ट हमने किए हैं. जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, मैं बता देती हूँ, मेरा चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्जाम्स को स्पेशली. सो लेट वी स्टार्ट आवर जीके सीरीज़. गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष देखने को मिले थे? यू नो, हड़प्पा संस्कृति जो है विश्व की अपनी सबसे प्राचीन जो है सभ्यता है, हड़प्पा संस्कृति. तो गुजरात में वो कौन सा स्थान है जहां पर आपको हड़प्पा के अवशेष देखने को मिले थे? तो गुजरात में जो सबसे फेमस स्थान है, डेट इज़ लोथल है. गुजरात का सबसे फेमस स्थान लोथल है. लोथल ही हड़प्पा संस्कृति का सबसे प्रमुख बंदरगाह है. हड़प्पा भारत की पहली संस्कृति थी. मैं हिस्ट्री क्वेश्चंस पहले क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने हिस्ट्री की डिटेल वीडियोस ऑलरेडी करवा दी हैं, डेट्स वाई. तो हड़प्पा संस्कृति सबसे पहली संस्कृति है, जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट. और हड़प्पा संस्कृति से स्वास्तिक का निशान भी लोगों को सबसे पहली बार जो देखने को मिला था गाइज, वो हड़प्पा संस्कृति से मिला था. और हड़प्पा का सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल है, जो कि कहाँ स्थित है, गुजरात में. नेक्स्ट है, भारतीय प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पर हैं? भारतीय प्राचीन विश्वविद्यालय, तो सबसे प्राचीन जो विश्वविद्यालय गाइस वो नालंदा है. क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पर हैं? तक्षशिला के अंदर. लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाए, भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा माना जाता है? दो क्वेश्चन है, डिफरेंस को जरा समझने की कोशिश करना. क्वेश्चन पूछे भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा माना जाता, तो हम नालंदा की बात करते हैं जो बिहार में स्थित है. बट यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से विश्वविद्यालय के अवशेष मिले थे, अवशेष के आधार पर सबसे प्राचीन माना जाता है तक्षशिला. बट तक्षशिला भारत में स्थित नहीं है. मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन, जो मुस्लिम लीग है ये भी ध्यान रखना, नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने बनाया था. गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त ने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय. और तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भरत के बेटे तक्ष के द्वारा की गई थी, जो धीरे धीरे विदेशी जाति के आक्रमण की वजह से खत्म हो गया था. और तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो हमारे चाणक्य हैं, नीति के पंडित, आपको ध्यान रखना है, चाणक्य भी तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़े थे. चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे. काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है चाणक्य, जिन्होंने पहली बार बुक लिखी थी पॉलिटिक्स के ऊपर, अर्थशास्त्र. नाम पर मत जाना, नाम से बच्चों को लगती है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पर होगी, बट इट्स बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स. नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन हुआ है, जो मुस्लिम लीग है उसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था, तो मुस्लिम लीग का सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था अमृतसर, पटना, दिल्ली, अलीगढ़. तो बहुत सारे बच्चों को लगता है अलीगढ़ में हुआ होगा, लेकिन सबसे पहले इसको सम्मेलन इकट्ठा हुआ था अमृतसर में, फिर ऑफिशियली बहुत बड़े लेवल का सम्मेलन अलीगढ़ में हुआ था. नेक्स्ट है, किस सम्राट ने श्रीनगर में शालीमार बाग को स्थापित करवाया है? तो श्रीनगर, यदि क्वेश्चन आए ना, श्रीनगर को बसाने वाले कौन थे, तो श्रीनगर को बसाने वाले थे अशोक. ठीक है, श्रीनगर को बसाने वाले थे अशोक, जो है महान मौर्य वंश के राजा, उन्होंने श्रीनगर को बसाया था. लेकिन श्रीनगर में जो शालीमार बाग है, जो मूवीज़ की शूटिंग होती है, वो मुगल काल के प्रसिद्ध राजा जहांगीर ने बनवाया था. और जहांगीर का जो काल है, यू जस्ट रिमेंबर, वो पेंटिंग के लिए बहुत फेमस था. जहांगीर ने पेंटिंग को बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्टेब्लिश किया था, तो पेंटिंग का स्वर्ण युग कहा जाता है गाइज, जहांगीर का काल. एंड एज वेल एज यू जस्ट रिमेंबर वन फैक्ट, कि जहांगीर ने न्याय की जंजीर भी चलाई थी. और जहांगीर के ही काल में गुलाब से जो इत्र बनाने की खोज की गई थी, वो भी जहांगीर के काल में ही हुई थी. और जहांगीर ने ही सिखों के जो 5वें गुरु हैं, गुरु अर्जुन देव जी, उनको मतलब उनकी वजह से रावी नदी में जो है डूब गए थे गुरु अर्जुन देव जी, उनको मृत्यु दंड आप कह सकते हो जहांगीर ने ही दिया था. नेक्स्ट है, औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या करवाई थी? तो औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवाई थी. गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर भी कहा जाता है. इन्होंने ना सिर्फ सिख धर्म के लिए बल्कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण नौछावर किए थे. त्याग की मूर्ति हैं भाई गुरु तेग बहादुर जी. और सिखों के 10 गुरु के ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बना चुकी हूँ.
भारत का संविधान लागू होता है तो एवरीबडी नोज लागू होता है 26 जनवरी 1950, बट संविधान बन के तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949। संविधान को अंगीकृत कर लिया जाता है 1949 में, बट लागू किया जाता है, अंगीकृत मतलब अडोप्ट कर लिया गया, लोगों के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था, बट लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है, तो सर्वेंट ऑफ इंडियन जो सोसाइटी है उसके संस्थापक हैं गोपाल, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल, फर्स्ट फील्ड मार्शल जो भारतीय सेना के थे वो कौन थे, उनका नाम था सैम मानेकशॉ, सैम मानेकशॉ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाया गया था, तो ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड जो हमारे पानीपत से होके जाता है भाई जीटी रोड, तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और शेरशाह सूरी ने एक और भी ध्यान रखना, हरियाणा जीके में क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में कोस मीनारे हैं, जो कोस मीनार का निर्माण भी किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी से इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि जो वर्तमान स्टैंडर्ड अपना रुपया है, पहली बार जो रुपये चलाए थे, पहले सिक्के चलते थे तो चांदी का ही था, लेकिन रुपये की शेप में सबसे पहले जो पैसा चलाया था, रुपया चलाया था, वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। और जो हमारा वर्तमान रुपया है, मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड आज जो रुपया चलता है, क्वेश्चन आया था ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कि अपना जो वर्तमान रुपया है वो किस पर आधारित है, तो वो शेरशाह सूरी के रुपये पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो वेरी इजी क्वेश्चन, जैन साहित्य आगम कहलाता है, ठीक है, जैन साहित्य क्या कहलाता है, आगम कहलाता है। हुमायूं नामा किसकी रचना थी, तो हुमायूं नामा जो है हुमायूं की आत्मकथा है, जो उसकी सिस्टर ने लिखी है, उसकी बहन ने, और बहन का नाम था गुलबदन बेगम। यहाँ से इस क्वेश्चन को घुमा के एक बार हरियाणा स्टेट के एग्जाम में कैसे पूछा गया था कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह है जिसकी रचना, जिसकी आत्मकथा किसी महिला के द्वारा लिखी गई है, तो आपको ध्यान है हुमायूं एक ऐसे मुगल बादशाह हैं जिनकी आत्मकथा एक महिला के द्वारा, उसकी बहन के द्वारा लिखी गई है, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका गठन कब हुआ, तो 1664, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ, 1664, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। फ्रेंच जो है भारत में आने वाली जो यूरोपियन कंपनीज है उन्हीं सिक्वेंस में से थी, तो यूरोपियन कंपनीज में ही है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। किसने घोषित किया कि स्वराष्ट्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो एवरीबडी नोज बाल गंगाधर तिलक की फेमस स्टेटमेंट है ये, स्वराष्ट्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान था, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी था, ठीक है, लुम्बिनी ग्राम में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था भाई, जन्म हुआ था कहाँ पर, लुम्बिनी ग्राम में। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों, थोड़ा सा ब्लर है यहाँ से बट आई थिंक यू अंडरस्टैंड माई वॉइस बेटर। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्न थे, अकबर के नवरत्न में एक थे टोडरमल, टोडरमल जो थे वो अकबर के वित्त मंत्री थे, और कोई भी भू राजस्व सुधार थे भूमि पर वो सब टोडरमल ही संभालते थे। महावीर किसकी माता थी, महावीर की माता कौन थी, तो त्रिशला, ठीक है, महावीर की माता त्रिशला थी, ध्यान रखना है। और महात्मा बुद्ध की जो माता थी वो यशोदरा थी, और यशोदा, और इसकी माता कौन सी थी, त्रिशला। अकबर द्वारा बनवाई गई उपासना भवन का नाम क्या था, अकबर ने एक जैसे हमारा पूजा करने के लिए मंदिर होता है, तो महावीर ये यशो महात्मा बुद्ध की माता का नाम यशोदरा था भाई, यशोदा तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था, ठीक है ना। तो अकबर ने जो उपासना भवन बनवाया था उनका नाम, उसका नाम था इबादत खाना, तो उसका नाम क्या था, इबादत खाना। क्वेश्चन आया था एसएससी के एग्जाम में कि अकबर अपने सभी धार्मिक निर्णय कहाँ लेता था, तो कहाँ लेते थे भाई, इबादत खाना में। और बुलंद दरवाजा भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, फतेहपुर सीकरी में इन्होंने बनवाया था बुलंद दरवाजा, जब ये गुजरात विजय करके आए थे, गुजरात अभियान पे गए थे अकबर एक बार, गुजरात अभियान के दौरान ही इन्होंने पहली बार समुद्र देखा था, और वहाँ से जब जीत के आते हैं तो उस खुशी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता, तो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता है दयाराम साहनी, हड़प्पा संस्कृति को खोजने वाले थे दयाराम साहनी। तो हड़प्पा पहली संस्कृति थी, भगवान की दया होगी राम की और हड़प्पा आ गई, तो ऐसे याद कर लेंगे दयाराम साहनी। वैसे हड़प्पा को मैंने बहुत ट्रिकी वे में दो वीडियोज़ में करवा रखा है, जैसे आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट खोलोगे सबसे ऊपर ऊपर मिलेगा। भारत में पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है,
महाबलीपुरम, ठीक है, महाबलीपुरम में इन्होंने रथ मंदिर जो है ये बनवाए हैं। कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। और ये भी ध्यान रखना है, बाबर के समकालीन थे, और बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा, बाबरनामा में बाबर ने कृष्ण देव राय को संपूर्ण भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट भी कहा था। तो ये स्टेटमेंट भी याद रखना, कृष्ण देव राय को संपूर्ण भारत का शक्तिशाली राजा किसने कहा था? तो बाबर ने कहा था। किसमें कहा था? अपनी पुस्तक बाबरनामा में। बाबर बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में मुगल काल को स्थापित करने वाले हैं बाबर। और कृष्ण देव राय के दरबार में एक और क्वेश्चन याद रखना, अष्ट दिग्गज होते थे, ठीक है, अष्ट दिग्गज मतलब तेलुगु भाषा के 8 महान कवि होते थे, अष्ट दिग्गज बोलते हैं इनको। नेक्स्ट है, अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है, तो अजंता की जो कृतियाँ हैं वो जातक कथाओं से रिलेटेड हैं। अष्ट दिग्गज से मुझे एक चीज़ और याद आई, एक हिस्ट्री में अष्ट प्रधान भी है, तो अष्ट प्रधान जो है शिवाजी का दरबार है, छत्रपति शिवाजी का दरबार अष्ट प्रधान है, पेशवास जो है प्रधानमंत्री प्रधान होते थे उसमें, और अष्ट दिग्गज जो है तेलुगु भाषा के 8 महान कवि ये कृष्ण देव राय के दरबार में थे, तेनालीराम भी जिसमें प्रसिद्ध थे। सिंधु सभ्यता का मुख्य पतन, तो सिंधु सभ्यता का मुख्य जो बंदरगाह है वो लोथल है, लोथल ऑप्शन में ना मिले तो सेकंड जो बंदरगाह है वो है सुत कांगेडोर, बट मेन जो बंदरगाह है वो लोथल है। कई बार आता लोथल सुत कांगेडोर बौद्ध, तो आंसर करेंगे आप बौद्ध। नेक्स्ट है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो जो कालिदास जी थे, जो शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहलाते हैं, जो कालिदास, कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे, जिनके काल में चीनी यात्री आए थे फाहियान, ठीक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। भाई इतिहास में दो के दरबार में नवरत्न है, मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो अकबर के दरबार में नवरत्न है, और प्राचीन भारत की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के, ओ सॉरी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न है। तो इनके नवरत्न में एक फेमस थे कालिदास, जिन्होंने रघुवंशम, अभिगारम शकुंतलम, जैसी मेघदूतम, कुमार संभव जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं। किसी यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने वाली भारत की पहली बुक थी अभिज्ञानम शाकुंतलम, जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लिखी गई थी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय काल जो पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है, जो हमने कैलेंडर अडोप्ट किया हुआ है तो वो किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है, ठीक है। शक संवत कुषाण वंश के राजाओं ने बनाया था, कनिष्क राजा ने, ठीक है, कनिष्क राजा ने इसका निर्माण किया था 78 ईस्वी में, कनिष्क राजा ने, कुषाण वंश के राजाओं ने बनाया था। निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा है, अवशेष करके पूछे तो तक्षशिला है। उत्तर भारत की प्रथम महिला शासिका, तो एवरीबडी नोज प्रथम महिला शासिका कहें, उत्तर भारत की प्रथम महिला शासिका, कोई भी प्रथम महिला शासिका के बारे में बात हुए तो आंसर आएगा गाइज रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान अल्तुतमिश की पुत्री थी, जो हरियाणा के कैथल में इसकी कब्र भी है। महावीर स्वामी का 26वां जन्म उत्सव मनाया गया है 2000 में। इस क्वेश्चन को लेफ्ट कर दीजिए, करंट में था ये बहुत पहले। भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्थापित की गई थी जापान में, ठीक है। तो आपको पता है जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने जापान में जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किया गया था, तो सबसे पहले जो भक्ति आंदोलन है वो किसने चलाया था गाइस? रामानुजाचार्य ने, रामानुजाचार्य ने सबसे पहले भक्ति आंदोलन को चलाया था। विश्वविद्यालय अधिनियम जो यूनिवर्सिटी एक्ट है 1904 में, तो 1904 में जो वॉइस राय थे वो लॉर्ड कर्जन थे, जिसके समय बंगाल का विभाजन भी हुआ था और यूनिवर्सिटी एक्ट जो है पारित हुआ था। काकोरी डकैती कांड के नायक, काकोरी जो बम कांड है 9 अगस्त 1925 में हुआ था, काकोरी बम कांड 9 अगस्त 1925, और सेम 9 अगस्त को ही इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना और हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, वो भी 8 अगस्त मध्य रात्रि को स्टार्ट हुआ, तो 9 अगस्त ही उसकी डेट कंफर्म मानी जाती है 1942। तो ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था कि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उसी के साथ एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी इतिहास में, वो क्या थी? तो काकोरी बम मतलब रेल कांड था, बट आपको ध्यान रखना है डेट अलग अलग है, डेट सेम है बट ईयर अलग है। काकोरी जो बम इवेंट है वो 1925 है, और जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट है वो 9 अगस्त 1942 है, और 9 अगस्त 2013 द बर्थडे ऑफ माय सन, तो 9 अगस्त से रिलेट करके वैसे ही मैंने बता दिया, चलो लिव। नेक्स्ट है, 1919 के अधिनियम में द्विशासन अवधारणा, जो द्विशासन की प्रणाली है
को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया था, वैसे तो दोहरा शासन जो है, जो द्विशासन की लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड है, बट इससे प्रचलित करवाने वाले थे सबसे पहले मॉन्टेग्यू, ठीक है, मॉन्टेग्यू। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समंदर। होयसल की राजधानी क्या है गाइस? द्वार समंदर। नेक्स्ट है सिखों की सैन्य संप्रदाय, जो मिलिट्री, जो खालसा है वो किसने, मतलब यू कैन से सिंपल सा क्वेश्चन है, जो खालसा पंथ की स्थापना है वो किसने की थी? तो खालसा पंथ की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है? तो जो कनिष्ठ थे कुषाण वंश के राजा, उनको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अशोक की तरह बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा फेमस करवाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा को माना था और इन्होंने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को माना था। मूर्तियाँ वूर्तियाँ बनाई थी इन्होंने, कनिष्क ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत का सम्राट है। हर्षवर्धन प्राचीन भारत का अंतिम शासक माना जाता है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन सेकेंड ने करवाया था, नरसिंह वर्मन सेकेंड। नेक्स्ट है शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? तो भाई पुरंदर की संधि हुई थी, शिवाजी और मुगलों के बीच जो संधि हुई थी गाइज वो कौन सी हुई थी? पुरंदर की संधि। कालीबंगा राजस्थान में है, यह हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड अवशेष है, जहाँ पर सबसे पहले जुते हुए खेतों के अवशेष जो है मिले थे। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार के समय में बहुत, बिंदुसार जो है मौर्य वंश के राजा हैं, अशोक के पिता थे बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार। तो बिंदुसार के समय में तक्षशिला का प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था, जिसे इसने दबाने के लिए अशोक और अपना पुत्र सुशीम को जो है भेजा था। एंड लास्ट क्वेश्चन, हम 40 क्वेश्चंस का सेट कर लेते हैं, इनफ रहेगा। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। कौन? सर विलियम जोन्स। तो गाइज ये थे जीके के टॉप 40 क्वेश्चंस। मैं आपको ये सीरीज कंटिन्यू करती रहूँगी जब जब मुझे टाइम मिलता रहेगा। बच्चों को लगता है लॉकडाउन में बहुत सारा टाइम मिल गया, लेकिन सीरियसली स्पीकिंग लॉकडाउन में टाइम मिला नहीं, टाइम पता ही नहीं कैसे निकल जाता है, क्योंकि मेड भी नहीं आती, घर का भी काम, बच्चों को भी 24 आवर्स रखना और उनके साथ खेलना, उनको पता नहीं सारा दिन बहुत बिजी जाता है। लॉकडाउन तो टू मच बिजी हो गया, बल्कि नॉर्मल लाइफ में टाइम मिल जाता था, सब स्कूल्स वगैरह चले जाते थे तो टाइम मिल जाता था। सो गाइज होप सो यू लाइक माई GK सीरीज़। इफ़ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी, बिकॉज यूर कमेंट रीइन्फोर्स मी फॉर न्यू वीडियोज़। आप कमेंट्स नहीं करते, मुझे रीइन्फोर्समेंट नहीं मिलता तो मेरा दिल भी नहीं करता पढ़ने पढ़ाने का इतना। सो गाइज आई होप फॉर योर गुड कमेंट्स, बैड कमेंट्स, वट एवर यू फील। सो स्टे सेफ, स्टे एट योर होम्स, एंड इफ़ यू वॉन्ट स्टडी मटेरियल, नोट्स, एनी काइंड ऑफ क्लासेज, अभी तो बंद है बाद में, सो यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर पिक, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। सो बाय, स्टे एट होम, स्टे सेफ।